भारतीय चीन तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने 59 चाइनीज ऐप पर रोक लगाने का फैसला लिया है। बैन किए गए ऐप में मशहूर टिकटॉक, टिकटॉक बैन ऐप भी शामिल है। इसके अलावा यूसी ब्राउजर, कैम स्कैनर जैसे और भी बहुत फेमस ऐप शामिल है। इससे पहले भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से चाइनीज ऐप की लिस्ट तैयार कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि इनको बैन किया जाए या फिर लोगों को कहा जाए कि इनको तुरंत अपने मोबाइल से हटा। भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। दोनों ही देशों की सेनाएं आमने सामने डटी। इसी बीच भारत ने ये बड़ा कदम उठाकर साफ कर दिया है कि भारत किसी भी स्तर पर झुकेगा नहीं। केंद्र सरकार ने 59 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इसमें से कुछ ऐप्स ऐसे हैं जो हर मोबाइल में आपको आसानी से मिल जाएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कई शिकायतों में मिल रही थी। ये ऐप्स भारतीय संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता पर घातक हमला कर रहे थे। चीन इन ऐप्स के सहारे भारतीय डेटा के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने सरकार को इन ऐप्स की एक लिस्ट तैयार कर पहले ही सौंप दी। इसके बाद सरकार ने अपने स्तर पर इन ऐप्स की जानकारी ली और अब ऐसे लोगों लगा कि वाकई ये ऐप्स भारतीय सुरक्षा में सेंध लगा सकते हैं, तो तुरंत इनको बैन करने का फैसला लिया।